आज हम बनाएंगे गेहूं और मक्के के आटे की मिक्स पूड़ियाँ। यह है गेहूं का आटा, यह है मक्के का आटा। और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, धनिया, लाल मिर्च, काला नमक, वाइट नमक और ये हींग, और थोड़ा डालेंगे जीरा, थोड़ा डालेंगे रिफाइंड, और ये मसाले रखे थे ये सारे डाल दिए। अब इसको मिक्स करके पानी डाल के आटा इस तरह से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे पानी, इसको आटा गूंद के फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे इसकी बनाएंगे पूड़ी। ये आटा हमने माड़ के रख दिया, ये देखिए सब सामान से मेरे अभी बनाएंगे पूड़ियाँ। बहुत अच्छी पूड़ियाँ इसकी बनती हैं, अगर आप एक बार बनाओगे ना तो बच्चे बोलेंगे यही बार बार बनाओ मम्मी, वही वाली पूड़ियाँ बनाओ। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। ये बनाएंगे हम रायता, वाइट नमक डालेंगे, काला भुना हुआ जीरा, थोड़ी लाल मिर्ची और डाल देंगे बूंदी, डालेंगे हम रिफाइंड। ये देखिए पूड़ियाँ बनाने के लिए थोड़ा सूखा आटा ले लेंगे। ये हमने लोइयाँ बना ली हैं, अभी बनाएंगे पूड़ियाँ। ये देखिए पूड़ियाँ हमने बेल के रख ली इस तरह से, अभी इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए बहुत अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं, खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। ये मैंने बनाई फूल गोभी की सब्जी, ये देखिए, और ये रायता और ये पूड़ियाँ। ये थाली लगकर हो गई तैयार, ये देखिए खाने के लिए। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें, बहुत ही अच्छी लगेंगी ये पूड़ियाँ, और रायता और सब्जी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।